नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कैस्पर सॉफ्ट स्किल लर्निंग में। और मैं सतीश चंदानी आज आपके साथ लेकर आया हूँ, आज फिर रोजाना की तरह लेकर आया हूँ कुछ वोकैब का पार्ट, कुछ अपने न्यूज का पार्ट, एडिटोरियल का पार्ट। इसमें आज मैं लेकर आया हूँ हिंदुस्तान टाइम्स का एक एडिटोरियल, वल्चर्स आर ऑफन मिसअंडरस्टूड, दे प्ले अ की इकोलॉजिकल रोल प्रोवाइडिंग सोसाइटी विद हेल्थ बेनिफिट्स। ये जो है आर्टिकल मिस्टर दीपक आप्टे, जो कि डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के हैं, और इनका इंटरव्यू लिया है मिस पारू भैल ने। और इसका अपन कुछ एडिटोरियल पार्ट देखते हैं, ग्रामर का पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वल्चर? What is the significance of vulture in preserving human life and the ecosystem? अब बात है क्या महत्व है vultures का। Vulture होते हैं गिद्ध। In preserving माने संरक्षण करना human life and the ecosystem। Ecosystem माने हमारे पारिस्थितिक तंत्र, जो हमारा पूरा का पूरा वातावरण है, ब्रह्मांड है, सब कुछ। परिस्थितिकी तंत्र। तो क्या भूमिका निभाते हैं मानव को और हमारे परिस्थितिकी तंत्र को बचाने में ये वल्चर्स? वल्चर्स आर ऑफन मिसअंडरस्टूड। वल्चर्स को अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है एंड आर कंसिडर्ड लोवली क्रिएचर्स। इनको हमेशा गलत समयों के रूप में रखा जाता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है, और इनको हमेशा निम्न कोटि का जीव माना जाता है। दिस इज लार्जली ड्यू टू देयर ईटिंग हैबिट्स। ये सब कुछ होता है उनकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, उनके खाने की वजह से। सिंस दे फीड मोस्टली ऑन डेड एनिमल्स, क्योंकि ये अधिकांश रूप से मृत जानवरों को ही खाते हैं, एंड आर देयरफॉर एसोसिएटेड विद डेथ। और इसलिए उनका संबंध जनरली मृत्यु से होता है, एंड मेकिंग देम अपीयर सिनिस्टर। और इसकी वजह से इनको पापी या दुष्ट रूप में आने वाले पक्षी के रूप में माना जाता है, एंड फुल ऑफ द फॉरबोडिंग। और ये खूब सारे भविष्यवाणियों के बारे में बात कर सकते हैं, ये मतलब इनको अशुभ भी माना जाता है, लोग इनको मृत्यु का सूचक मानते हैं। हाउएवर मोस्ट पीपल डू नॉट सी देयर सिग्निफिकेंस, अधिकांश लोग इनका महत्व नहीं समझ पाते हैं। एज स्केवेंजर्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़े स्केवेंजर्स हैं, साफ सफाई करने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं। दे प्ले अ की इकोलॉजिकल रोल, ये एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल भूमिका निभाते हैं, प्रोवाइडिंग सोसाइटी विद हेल्थ बेनिफिट्स। और ये समाज को उपलब्ध कराते हैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ अच्छी बातें। वल्चर्स फॉर्मली डिस्पोज्ड ऑफ, वल्चर जो होते हैं वो फॉर्मली सामान्य रूप से डिस्पोज ऑफ 10 मिलियन टन्स ऑफ रॉटन मीट एवरी ईयर इन इंडिया। हिंदुस्तान में लगभग 10 मिलियन टन सड़ा गला मीट डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खा लेते हैं या उसको समाप्त कर देते हैं। दिस रोल has diminished with 99% decline over the last 20 years. इस भूमिका के अंदर पिछले 20 वर्ष में 99% तक का decline यानी गिराव आया है। गिराव diminish धीरे धीरे कम होना with implications for environment, इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन लाइव्स। और विद इम्प्लीकेशंस जो कि बहुत जरूरी थे, निहितार्थ थे, इम्प्लीकेशन बने बहुत जरूरी थे फॉर द एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन हेल्थ, जो कि मानव के लिए, अर्थशास्त्र के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए, और फिर हमारे एनवायरमेंटल कंसेप्ट के लिए। इंडिया लैक्स कमी होना, लैक माने कमी होना, इंडिया लैक्स द फैसिलिटीज ऑफ
भारत के अंदर इन सरिनेशन की फैसिलिटी का बहुत ज्यादा अभाव है। इन सरिनेशन का मतलब जिसको वेस्ट को जला देना, नष्ट कर देना, एंड द सोफिस्टिकेटेड कार्कस प्रोसेसिंग, और ये जो सख्त जो कार्कस जो मांस होता है उसको किस प्रकार से प्रोसेस किया जाए, इस प्रकार की फैसिलिटीज हमारे पास अभी नहीं है। सो स्लॉटर हाउस वेस्ट एंड डेड लाइव स्टॉक फ्रॉम फार्म्स, इसलिए भूचड़ खाने से आने वाला वेस्ट और जो डेड लाइव स्टॉक होता है, डेड लाइव स्टॉक जो ऐसा पशुधन जिसकी मृत्यु हो गई हो, यानी ऐसे जो जानवर जो गांव वगैरह में फार्म वगैरह मर जाते हैं, वो हैव ट्रेडिशनली बीन डम्प्ड ऑन द एज ऑफ द टाउन, उन्हें शहर गांवों या कस्बों के मुहाने पर उनकी सीमाओं के आसपास आके डंप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। रिलाइंग एक्सटेंसिवली ऑन द वल्चर्स फॉर क्लीन अप, अब वास्तव में अगर हम साफ सफाई के लिए कंप्लीट रूप से वल्चर्स के ऊपर अगर हम डिपेंड रहते हैं, दिस वर्क इज लेफ्ट इनकम्प्लीट, तो ये काम बिल्कुल ही इनकम्प्लीट रह गया। सिंस देर आर नॉट इनफ वल्चर्स, चूंकि खूब सारे वल्चर्स नहीं है, देर आर नॉट इनफ वल्चर्स, देर हैज बीन ए 30% इंक्रीज इन द फेरल डॉग्स दैट फीड ऑन कार्कस। चूंकि यहाँ पे वल्चर्स की संख्या धीरे खत्म होती जा रही है, इसलिए यहाँ पे फेरल डॉग्स यानी जंगली कुत्तों की संख्या में लगभग 30% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो कि फीड ऑन द कार्कस, जो कि मांस के ऊपर जिंदा रहते हैं, यानी कि मांस खाते हैं। एज अ मेन वेक्टर ऑफ द रेबीज, और एज अ मेन वेक्टर ऑफ द रेबीज दैट किल्स एन एस्टिमेटेड 7,000 पीपल इन इंडिया एवरी ईयर, ये रेबीज को पहुंचाने वाले महत्वपूर्ण साधन है। वेक्टर माने ले जाने वाला, पार पहुंचाने वाला साधन, ये बहुत बड़े वेक्टर होते हैं रेबीज को, और ये वो रेबीज है जिसको हिंदुस्तान में लगभग 7,000 लोगों को हर साल इनकी हत्या करता है। दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न, वास्तव में ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। डिस्पोजल ऑफ द कार्कस इन द एब्सेंस ऑफ द वल्चर्स इज अनदर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टास्क, और वल्चर के अभाव में इस कार्कस को निष्पादित करना, डिस्पोज ऑफ करना, नष्ट करना, इस वास्तव में एक बड़ा ही मुश्किल और एक्सपेंसिव महंगा कार्य है। विद मैनी स्किन एंड बोन कलेक्टर्स कंप्लेनिंग, क्योंकि बहुत सारे स्किन और बोन को इकट्ठा करने वाले जो लोग होते हैं वो कंप्लेन करते हैं दैट दे मिस देयर वल्चर एड, क्योंकि वो अब आज भी कहते हैं कि वो वल्चर एड को मिस कर रहे हैं, कि वल्चर होने चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल पूरा का पूरा साफ सफाई कर जाया करते हैं। साफ सफाई के बाद अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, व्हाट इज द करंट वल्चर पॉपुलेशन इन साउथ एशिया, कि हमारे साउथ एशिया के अंदर करंट पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, क्या है। सिंस द अर्ली 90s के शुरुआत में द पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशियन वल्चर्स हैज बीन अंडरगोइंग सडन कलैप्स, 1990 के आसपास से द पॉपुलेशन ऑफ द साउथ एशियन वल्चर्स, साउथ एशिया के जो वल्चर्स हैं, हैज बीन अंडरगोइंग सडन कोलैप्स, उनकी संख्या में लगातार धीरे धीरे कमी आती जा रही है। विद हैवीएस्ट इम्पैक्ट ऑन 4 ऑफ इंडिया 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की 9 स्पीसीज में से 4 स्पीसीज के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा आ रहा है, नेमली द 3 जिप्स वल्चर स्पीसीज, खासतौर पर ये है जिप वल्चर स्पीसीज एंड द रेड हेडेड वल्चर, और वो लाल सर वाले वल्चर, विच आर नाउ रिकॉग्नाइज एज क्रिटिकली इनडेंजर्ड, जिनको अब माना गया है कि ये वास्तव में खतरे के निशान से ऊपर जा रहे हैं, यानी इनके अस्तित्व के ऊपर अब खतरा चल रहा है संपूर्ण विश्व में, ये ग्लोबली संपूर्ण विश्व में। नंबरिंग टेंस ऑफ मिलियंस इन इंडिया लोन, हालांकि इनकी संख्या हिंदुस्तान में टेंस ऑफ मिलियंस है, द व्हाइट रैम्ड वल्चर्स, जो व्हाइट रैम्ड वल्चर्स है व्हाइट कलर के, वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट अबंडेंट लार्ज रैप्टर, उसे अक्सर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, और रैप्टर माना जाता था। रैप्टर दूसरों का भोजन चुरा के खाने वाला, यानी परजीवी, यानी पैरासाइट, वही
लार्ज अबंडेंट लार्ज रैप्टर इन द वर्ल्ड, इसको दुनिया में सबसे बड़ा रैप्टर माना जाता था, बट प्रेजेंटली ओनली एन एस्टिमेटेड 8,000 रिमेन, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मात्र 8,000 बच गए हैं, ऑफ विच 6,000 आर इन इंडिया, जिसमें से हिंदुस्तान में लगभग 6,000 हैं, एंड द रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज ऑफ द थ्री जिप्स स्पीसीज वॉज एस्टिमेटेड, और ये जो कमी आ रही है धीरे धीरे इन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द थ्री जिप्स, और ये तीन प्रकार के जिप्स की जातियों की जो लगातार कमी होती जा रही है, वॉज एस्टिमेटेड थ्रू सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग टू बी बिटवीन 96.8 फॉर लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स, वॉज एस्टिमेटेड उसका अंदाजा लगाया गया था थ्रू सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग, बिल्कुल ही योजनाबद्ध तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए, टू बी बिटवीन 96.8% फॉर लॉन्ग बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर वो थी 96.8% के आसपास, एंड 99.9% थी फॉर द व्हाइट रम्ड वल्चर, और सफेद कलर के जो वल्चर थे, विद इन अ पीरियड ऑफ बैरली 15 ईयर्स, और लगभग पिछले 15 वर्ष के आसपास के समय में ये बिल्कुल ही समाप्त हो गए हैं। आप संख्या देख सकते हैं किस प्रकार से संख्या के ऊपर वो नीचे उतरते जा रहे हैं। These four species might soon be extinct. ये जो चार जातियां हैं वो बहुत जल्दी extinct, विलुप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, and globally, हिंदुस्तान से भी पूरी दुनिया से भी, since majority of the population of all four species are found in India. क्योंकि जो सबसे बड़ी बात जो है, इसमें अधिकांश जो जातियां हैं वो हिंदुस्तान में ही मिलती हैं। इसमें एक वर्ड आया था जूनोसिस, इसके इंट्रोडक्शन में जो कंसेप्ट है वो है जूनोसिस का। जूनोसिस का मतलब होता है अ डिजीज दैट कम्स फ्रॉम लाइव स्टॉक टू ह्यूमन बींग्स, पशुओं से व्यक्तियों में फैलने वाली बीमारी। यहां हमको एक रूट वर्ड मिला है जू, जानवर, जंतु, जिसको अपन कॉमनली भाषा में जंतु वाले कहते हैं, जानवर, जू, जुइड, ये भी इसी से बना हुआ वर्ड है, मतलब लुक लाइक एनिमल, रिजेम्बलिंग टू एनिमल। जूफाइट, जूफाइट अ प्लांट रिजेम्बलिंग टू एनिमल। मैंने आपको नीचे एक लिंक दिया है, उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जू से संबंधित जितने और रूट वर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये थोड़ा बहुत जो नया प्रयास है, यानी कि अब मैं इसको भी शुरू करने वाला हूं, रोजाना किसी एक बेस वर्ड को लेकर शुरू करूंगा मैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप जरूर इसके लिंक पे जाएं और उसको देखें कि ये क्या वर्ड है, जू से बने हुए वर्ड।